आज देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं हम सब। मैंने आपसे कहा था उन कलाकारों की बात करूंगा जिनकी आवाज ने, आवाज के जादू ने देशभक्ति के गीतों से हम सबके दिलों में एक जज्बा पैदा किया, एक भावना पैदा की। एड्रेनलिन जिसे बोलते ना, आप सुनते तो आपको लगता है यार। भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गीत, बोलने की जरूरत नहीं है, कल्ट है ना, अब यंगस्टर्स को भी मालूम है। ये गीत के बोल का कमाल था, कवि प्रदीप का लिखा हुआ यह गीत है और सी रामचंद्र जी का संगीत है, गाया लता मंगेशकर है। आनंद मठ का लता जी का गाया हुआ गीत वंदे मातरम, कंपोज्ड बाय हेमंत कुमार, और वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। दुनिया की सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सफलता की कामना करती हैं। सफलता, सफल मतलब एक पेड़ जिस पे फल आ गए हैं वो सफल है। तो जो सक्सेसफुल गुंडे हैं, बदमाश हैं हमारे देश के, वो भी सफल हैं। आप समझे ना, 500 करोड़ हैं, जनता का पैसा लूटा, सफल ही तो हैं। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, सफल तो वो हैं। तो जिस पेड़ पे फल आ गए वो सफल हो गए हैं। चोर उचक्के कबीरा कलजुग कठिन है, साधु न मिलिया कोए, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। कबीर दास तो 600 साल पहले कहकर चले गए थे, लेकिन पंडित वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सफल की कामना नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हे माँ, तेरा नमन करता हूं, माँ तुझे प्रणाम करता हूं, और मेरे अगर कर्म सफल हों, मेरे कर्म और आचरण अच्छे हों, जब मैं कहता हूं कि ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म ये होता है पहले अपने तू एमाल देख, तू अपने कर्म तो देख फिर उसके बाद तो। तो अगर पंडित जी बोल रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे अच्छे कर्मों का ही फल मुझे देना, इससे बड़ी मर्दानगी की बात कोई हो नहीं सकती है। अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हो तो मुझे नेस्तो नाबूद कर देना, मुझे बर्बाद कर देना, ये कौन बोल सकता है? ये भारत माता का सच्चा सपूत बोल सकता है। मन्ना डे ने गाना गाया है काबुली वाला फिल्म में, प्रेम धवन जी का लिखा हुआ ये गीत है, जो उन्होंने अफगानिस्तान या मॉस्को में बैठकर देश की याद जब आ रही थी तब लिखा था ये गीत, ए मेरे प्यारे। और सलिल चौधरी ने इसे कंपोज किया। मैं आपको बोलूंगा कि कंपोजिशन भी दरअसल प्रेम धवन जी की है। ये प्रेम धवन जी वो हैं जो न सिर्फ गीतकार हैं, संगीतकार हैं, बल्कि नया दौर फिल्म के अंदर जिस गीत के ऊपर तब से लेकर आज तक हमारा नौजवान से लेकर नौजवानों के दादा तक नाचते हैं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश दयारों क्या कहना, इस गाने की कोरियोग्राफी भी प्रेम धवन साहब ने की थी। जोरदार तालियां प्रेम अंकल, प्रेम धवन साहब की स्मृति में। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, इसमें एक अंतरा है जो एक्चुअली मेन फिल्म के गाने में नहीं है। गाना रिकॉर्ड तो हुआ था लेकिन वो रखा नहीं गया, फिल्म बड़ी हो रही थी। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्नी सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना तड़पाता है मुझको उतना याद आता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। हैं भैया, ये अपना भारत है। लेकिन इसका एक अंतरा जो है वो आप सबका ध्यान चाहूंगा। छोड़ कर गलियां तेरी कोसों चले आए हैं हम, छोड़ कर गलियां तेरी कोसों चले आए हम, है यही दिल की तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, छोड़कर गलियां तेरी कोसों चले आए हैं हम, है यही दिल की तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, जिस जगह पैदा हुए उस जगह पे निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बस, तो ये
इस तरह के गीतों ने चार्ज किया हमको। महेंद्र कपूर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत गाने गाए उन्होंने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। गुलशन बावरा साहब ने ये गीत लिखा था। गुलशन बावरा साहब का नाम नहीं लोगे तो बात अधूरी हो जाएगी। जोरदार तालियां गुलशन बावरा साहब। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। ये देखिए क्या, हाँ आज के गीतकारों को सबक सुनना चाहिए। क्या शीला की जवानी वो अपनी बात है, शीला की जवानी ढल जाएगी लेकिन मेरे देश की धरती सोना उगले कभी नहीं। क्या सर। और रफी साहब की, मोहम्मद रफी ने क्या क्या गीत गाए हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसा लगता है भारत माता अपने बच्चों से बोल रही है, तो क्या भारत माता के बच्चों ने भारत माता को संभाल के रखा क्या? बोलिए। कोई भी चेंज अगर आप चाहेंगे वो खुद से होना चाहिए। शायद हमने अपने आप को नहीं, देश प्रेम बहुत कम दिखता है यहाँ पे। तो आपने सही कहा कि आपने खुद के अंदर चेंज नहीं किया तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वी इंडियंस कैन नॉट प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड फ्रॉम टेररिस्ट एंड वी इंडियंस कैन नॉट प्रोटेक्ट अवर डॉटर्स फ्रॉम रेपिस्ट। क्यों मनोज कुमार ने महेंद्र कपूर के एक शो में ऑडिटोरियम के गेट्स बंद करवा दिए, क्यों वो सब जानेंगे थोड़ी देर में। 92.7 Big FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु।